हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक एंड न्यूज़ में। गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज हम जानेंगे कि आप B612 एप्लीकेशन से कैसे स्लो मोशन एडिटिंग कर सकते हो। हाँ जी गाइस, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे B612 एप्लीकेशन से वीडियो को स्लो मोशन में कर सकते हो या फिर उसका मोशन बढ़ा सकते हो, मतलब कि फास्ट मोशन में कर सकते हो। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, B612 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, B612 एप्लीकेशन को खोल लेना है। ठीक है गाइस, B612 एप्लीकेशन को जब आप खोल लोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे एडिट वाले ऑप्शन में। ठीक है, एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप वीडियोज़ में जाना, आपको जिस वीडियो को स्लो मोशन में करना है या उसकी स्पीड को फास्ट करना है आप उस वीडियो को टैप करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप अपने वॉल्यूम को ज़ीरो कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, वॉल्यूम जीरो करने के बाद में ही आप क्या करिएगा, स्पीड को कम करिएगा, क्योंकि जब भी आप स्पीड को कम करेंगे तो वॉल्यूम आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे पहले आप क्या करिएगा, वॉल्यूम को जीरो कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, वॉल्यूम जीरो करने के बाद में सिंपली आपको अब स्लो मोशन में करना है तो आप क्या करिएगा, पॉइंटर पर टैप करके इसको पीछे ले जाइएगा। अब देखिए, प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो स्लो मोशन में हो गई होगी। देखिए काफ़ी अच्छा स्लो मोशन इस तरह से आप एडिट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और भी स्लो करना चाहते हो तो और भी स्लो करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्लो मोशन अपनी वीडियो पे ऐड कर सकते हो। कोई भी वीडियो आप लेकर यहाँ पर आप उस पर स्लो मोशन डाल सकते हो काफ़ी इजीली। ठीक है, अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हो तो आप इसको पॉइंटर को आगे ले जाइएगा, आप देखिए इसकी स्पीड फास्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने स्लो मोशन पर कर दी। ठीक है, ये करने के बाद अब आप क्या क्या कर सकते हो इस वीडियो पर, आप इस पर फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, देखिए मैं फ़िल्टर आपको लगा के दिखा देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट मैंने फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, आप कोई भी फ़िल्टर चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे अपने अनुसार आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। और आप क्या चीज़ कर सकते हो इसमें, आप म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे जाके क्या कर सकते हो, म्यूज़िक भी यहाँ पे लगा सकते हो। जो भी इनबिल्ट म्यूज़िक है आप वो वाले म्यूज़िक ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो पे। तो मेरा ये म्यूज़िक डाउनलोड नहीं है, अगर डाउनलोड होता तो मैं आपको लगा के दिखा देता, वरना आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली म्यूज़िक को टैप कर देना होगा और ये म्यूज़िक आपकी वीडियो पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली आप क्या करिएगा, आप अपनी वीडियो को सेव कर लीजिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी वीडियो को स्लो मोशन बना सकते हो या फिर उसका मोशन फास्ट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए हमारा वीडियो सेव हो गया, तो मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।